मोहन, राधा और बच्चा दोनों ठीक हैं, बस राधा में थोड़ी कमजोरी आ गई है, इसलिए उसका खाना पीना और उसके आराम का पूरा पूरा ध्यान तुम्हें रखना होगा। और हाँ, ना ही ये कोई भारी भरकम सामान उठाए, ना ही भागा दौड़ी का कोई काम करे, समझे? मैं तो समझ गया डॉक्टरनी साहिबा, आप इसे भी समझा दो। दिन भर घर में उठाई धराई करती रहती है और मैं कितना भी मना करूं, ये माने तब ना। ये तो गलत बात है राधा, तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना चाहिए। जी डॉक्टरनी साहिबा। अच्छा मोहन, मैंने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, इन्हें नियमित रूप से राधा को खिलाते रहना। ये दवाइयाँ इसके खून की कमी को पूरा करेंगी। हाँ। और हाँ, मैंने तुम्हें भी अपना ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए कहा था ना, तुमने करवाया ना? जी डॉक्टरनी साहिबा, इसी अस्पताल में करवाया है। मेरा ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव। ओह, अच्छा ठीक है, राधा का ध्यान रखना। जी डॉक्टरनी साहिबा, धन्यवाद। क्यों जी, आपने डॉक्टरनी साहिबा से मेरी शिकायत क्यों की? अजी शिकायत कहाँ की, जो सच था वही तो कहा मैंने। कुछ सच नहीं कहा आपने, घर का कामकाज करने में थोड़ा बहुत सामान तो इधर उधर करना ही पड़ता है ना। क्यों नहीं, तुम तो घर का कामकाज इधर उधर करती रहो और जब बीमार हो जाओ तो तुम्हें लेके डॉक्टर के पास मैं भागता फिरूं, नहीं? तो क्या पाप बननी चले हैं आप, थोड़ी बहुत तकलीफ तो उठानी पड़ेगी ना। अरे मेरे होने वाले बच्चे की अम्मा, तकलीफ तो मैं बाद में उठूंगा, पहले मुझे बाप तो बन जाने दे। कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे, हटाइए, कुछ हटाइए, घबरा मत बच्चे, घबरा मत, घबरा मत, हटिए हटिए हटिए, चलिए हटिए, रास्ता छोड़िए मेरे बच्चा, अरे मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, घबरा मत बच्चा, घबरा मत, अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, हटिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लो डॉक्टर साहब, जल्दी जल्दी, हटो 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 हटो, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को बचा लो। हे राम, कितनी चोट लगी है बेचारे को। राधा, कितना जख्मी हो गया है और कितना खून भी बह रहा था। हे भगवान, इसकी रक्षा करना। चलो राधा। कितना खून बह गया, न जाने क्या होगा मेरे बच्चे का। चिंता मत करो काका, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने हमारे खून का सैंपल तो ले ही लिया है और भगवान ने चाहा तो हम में से किसी न किसी का खून तो उसे चढ़ ही जाएगा। तुम्हारी बहुत मेहरबानी बेटा, तुम कितनी मदद कर रहे हो हमारी। मेहरबानी कैसी काका, समाज सेवा तो मेरा धर्म है। डॉक्टर साहब क्या हुआ? बच्चे का काफी खून बह गया है, उसे खून तो चढ़ाना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आप मेरा खून ले लीजिए और मेरे बच्चे को बचा लीजिए। देखिए, बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, अनफॉर्चुनेटली आप दोनों में से किसी का खून उससे मैच नहीं कर रहा। तो डॉक्टर साहब, मैं ब्लड बैंक से जाकर खून ले आता हूँ। मैं वहां भी पता कर चुका हूँ, इस ब्लड ग्रुप का खून ब्लड बैंक में भी नहीं है। क्या वहां भी खून नहीं है? हाँ, वहां भी नहीं है। हम लोगों को कितना समझाते हैं, कितना बताते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग खुद ब खुद सामने आकर समय समय पर रक्तदान करते रहें, ताकि यहाँ के ब्लड बैंक में हर ग्रुप का खून हमेशा उपलब्ध रहे। पर यहां आसपास के गांव के कुछ एक लोगों को छोड़कर कोई भी रक्तदान करने के लिए सामने ही नहीं आता, इसलिए यहां के ब्लड बैंक में हमेशा खून की कमी बनी रहती है। डॉक्टर साहब, मैं आपके पैर पकड़ता हूं, आप कुछ भी कीजिए, कैसे भी कीजिए, मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए, वो इकलौता बच्चा है मेरा। धीरज रखिए काका, डॉक्टर साहब अब तो सब कुछ आपके हाथ में है, प्लीज कुछ कीजिए ना। बच्चे की जान बचाने के लिए उसे खून तो चढ़ाना ही पड़ेगा। मैं करता हूँ कुछ।
धन्यवाद डॉक्टर साहब। मोहन, ओ मोहन, आया माँ। अरे मोहन, कहाँ है तू? आया माँ, आया, आया। मोहन, तू बहू को लेकर डॉक्टर के पास गया था ना? क्या कहा? माँ, डॉक्टर ने तो वैसे सब कुछ ठीक कहा है, थोड़ी सी कमजोरी है। अब कमजोरी क्यों नहीं होगी? तेरी बहू से मैंने कितनी बार कहा है कि इस समय खिलाई पिलाई पर ध्यान रखा कर, लेकिन सुनती कहाँ है? अब देख, मैंने देसी घी के लड्डू बनाकर रखे, पर खाए तो ना। ले, तू खा ले, तू थक गया होगा ना? क्या बात है माँ। वाह माँ, तेरे हाथ के बने हुए लड्डू की तो बात ही कुछ और है। पकला है तू। हाँ जी, हाँ हाँ बेटा, डॉक्टर संदीप का फोन है। हाँ डॉक्टर जी, बताइए कैसे याद किया? मैं डॉक्टर साहब, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? अब पूरे गांव में मैं अकेला थोड़ी ना हूँ इस काम के लिए। आप किसी और से बात कर लीजिए। और सच कहूँ तो डॉक्टर साहब, मैं खुद ही बहुत बीमार हूँ। मैं सच कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं तो चल भी नहीं पा रहा हूँ। मैं नहीं आ पाऊंगा डॉक्टर साहब, आप किसी और से बात कर लीजिए। क्या कह रहे थे बेटा? माँ, माँ किसी घायल बच्चों को तुरंत खून की जरूरत है और उसके लिए रक्तदान के लिए मुझे बुला रहे थे। मैंने तो मना कर दिया माँ। बिल्कुल ठीक किया। अरे पूरे गांव में उन्हें मेरा ही बेटा मिला है खून चूसने के लिए। अरे किसी और से खून मांग ले। अरे माँ, मुझे तो उस सुई को देखकर ही बड़ा डर लगता है। कितना दर्द होता होगा जब वो शरीर के अंदर घुसती होगी। और माँ, भला किसी और के लिए मैं क्यों खून दूं? और क्या, अगर तू खून देगा तो तू कमजोर हो जाएगा, और कमजोरी आ जाएगी तो तू अपने रोज के काम कैसे करेगा? छोड़ बेटा, जिसकी मुसीबत है वो निपटे, हमें क्या। चल, तू चल के लड्डू खा ले। ले, मैं ना पीछे कपड़े देखकर आती हूँ, सूखे कि नहीं सूखे। अरे बहू, इसे पानी दे दे। लड्डू खाओ, बहुत अच्छे बने हैं। नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात पूछूं। हाँ, बुरा क्यों? कहीं तुम सालत में मायके जाने के बारे में तो नहीं सोच रही हो? नहीं बाबा, आप तो बस। तो फिर ठीक है, पूछो पूछो। मुझे लगता है आपको उस बच्चे को खून देने के लिए जाना चाहिए था। क्यों? कभी कभी समय पर खून ना मिलने से मरीजों की जान खतरे में आ सकती है। मुझे लगता है ये वही घायल बच्चा है जिसे हमने अस्पताल में देखा था, और उसकी हालत तो हमने देखी ही थी। इतना तरस आ रहा है उस पर, तो तुम खुद क्यों नहीं चली जाती उसे खून देने के लिए? अगर मेरा खून लिया जा सकता हो तो मैं खून देने के लिए तैयार हूँ। अजी रहने दो ये बड़ी बड़ी बातें, तुम्हें पता भी है रक्तदान में कितनी तकलीफ होती है? बिल्कुल नहीं होती, मैं रक्तदान कर चुकी हूँ। तुम? कब? जब मैं कॉलेज में थी तब। हमारे जिले के लड़कियों के कॉलेज में हर साल रक्तदान शिविर लगता था। अरे छोड़ो ये बेकार की बातें, मैं तुम्हारे जैसा बहादुर नहीं हूँ बस। अच्छा ये बताओ कि इस समय हमारा नन्ना मुन्ना बच्चा क्या कर रहा है? कुछ नहीं, आपको डरपोक कहकर आपकी हंसी उड़ा रहा है। अच्छा, उस शरारती की इतनी हिम्मत, जरा मैं भी तो सुनूं।
हाँ बेटे बाहर आ जा, मैं अभी तुम्हारे कान खींचता हूँ, बाहर आ जा। अरे बहू ये कपड़े सूख गए, अंदर रख दे। आई माँ जी। अरे अरे राधा आराम से, आराम। ये सुधरने वाली नहीं है। डॉक्टर साहब, राधा कैसी है? डॉक्टर साहब हालत अच्छी नहीं है उसकी। राधा का काफी खून बह चुका है और उसका गर्भ भी बहुत ही मुश्किल हालत में है। मोहन अगर इसी वक्त हमने उसका ऑपरेशन नहीं किया तो राधा और बच्चा दोनों की जान को खतरा हो सकता है। तो फौरन ऑपरेशन करिए ना डॉक्टर। मोहन ऑपरेशन के लिए खून की भी जरूरत होती है। तो आप मेरा खून ले लीजिए। लेकिन लेकिन मेरी राधा को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। बेटा तू खून देगा? हाँ माँ, मैं राधा के लिए कुछ भी करूँगा। देखिए आपकी बीवी का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है और आपका O पॉजिटिव, इसलिए आपका खून उन्हें नहीं चढ़ सकता। उनके लिए तो कोई AB नेगेटिव ग्रुप का रक्तदाता ही चाहिए होगा, और वो भी फौरन। हाँ डॉक्टर साहब, ये सारे मेरे गाँव वाले हैं, इन सबका खून जांच कर लीजिए, इनमें से किसी ना किसी एक का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव होगा ही। क्यों भाइयों? चलो भाइयों चलो, यहाँ तो खून देने की मुसीबत आ पड़ी है। हाँ भाइयों चलो चलो, चलो। भाई साहब रुक जाओ भाई, मेरी बीवी बड़ी मुश्किल में है भाई। नहीं भाई नहीं, हम कोई खून वून नहीं दे सकते। अरे रुक जाओ भाई, नहीं भाई भाइयों रुक जाओ भाइयों। डॉक्टर साहब आप ही कुछ कर सकते हैं, मेरी राधा को बचा लो। डॉक्टर साहब मेरी राधा को बचा लो, आपको जितने पैसे चाहिए हम देंगे। मोहन भाई जी, खून की कमी खून से ही पूरी होती है, पैसों से नहीं। देखा, कहने को तो इतने सारे लोग आपके साथ थे, पर जैसे रक्तदान करने की बात उठी सारे के सारे मना करके लौट गए। पता नहीं इन लोगों के मन में रक्तदान को लेकर क्या क्या गलतफहमियां हैं। डॉक्टर साहब अब आप ही कोई रास्ता निकालिए और मेरी राधा को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब मेरी राधा को बचा लीजिए। सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मोहन, डॉक्टर साहब परेशान ना हो मोहन, खून का इंतजाम हो गया है। डॉक्टर साहब धन्यवाद डॉक्टर साहब। लेकिन डॉक्टर साहब कैसे, ब्लड बैंक से? नहीं, है एक भला आदमी जो निस्वार्थ अपना खून देने के लिए राजी हो गया है। डॉक्टर साहब वो आदमी नहीं है, वो फरिश्ता है। डॉक्टर साहब वो फरिश्ता है। इस समय तो वो तुम्हारे लिए फरिश्ता ही बनकर आया है, जो तुम्हारी बीवी की जिंदगी को बचाने के लिए
अपना खून दे रहा है बिना किसी लालच के, बिना किसी जान पहचान के, सिर्फ मानवता के खातिर। डॉक्टर साहब, हम उस आदमी से मिलना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ मेरे साथ। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हूँ डॉक्टर साहब। खून देने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? नहीं। किसी किस्म का कोई दर्द? नहीं डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मोहन है, आपसे मिलना चाहते थे। नमस्कार। दरअसल इन्हीं की पत्नी को एबी नेगेटिव ब्लड ग्रुप खून की जरूरत थी, इसलिए अरविंद से कहकर आपको बुलवा भेजा। आपको अचानक आने में तकलीफ ही होगी उसके लिए। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, तकलीफ कैसी, मेरे खून से यदि किसी की जान बचाई जा सके तो ये तो मेरी खुशनसीबी होगी। मैं अपने आप को धन्य समझूंगा डॉक्टर साहब। थैंक यू अरविंद। जी डॉक्टर साहब। इनका ख्याल रखना। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। टेक केयर। आओ मोहन। मोहन, तुम्हें याद है एक बार मैंने तुम्हें फोन करके घायल बच्चे को खून देने के लिए कहा था और तुमने मना कर दिया था? जी जी डॉक्टर साहब। ये आदमी उसी बच्चे का बाप है। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वो बच्चा तो ठीक है ना? नहीं, हम उसे बचा नहीं पाए। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? अगर उस मासूम को मैंने खून दिया होता तो शायद वो बच्चा बच जाता। कोशिश तो हमने बहुत की, लेकिन जब तक उसके लिए खून का इंतजाम कर पाते उसकी सांसें ही थम गई। पर आज जब उसके पिता को यह पता चला कि तुम्हारी बीवी को खून की जरूरत है तो फौरन चला आया। उसने ये नहीं सोचा कि किसी अजनबी को बचाने के लिए मैं अपना खून क्यों दूं। मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब, वो हम रक्तदान के नाम से डर गए थे। डर? डर किस बात का मोहन भाई जी? ये जो आदमी यहाँ लेटा रक्तदान कर रहा है या बाकी जितने भी लोग यहाँ लेटे रक्तदान कर रहे हैं, उनमें से किसी के भी चेहरे पर डर दिखाई दिया आपको? जी नहीं। वो भी तो आपकी तरह आम इंसान है। कोई कमजोरी, कोई तकलीफ, कोई परेशानी दिखाई दी आपको? तो फिर देखिए मोहन भाई जी, अगर आप और आप जैसे हमारे देश के करोड़ों देशवासी, खास करके गांव और कस्बों के लोग, रक्तदान के प्रति अपने मन में बैठे इस डर की भावना को निकाल दें और स्वेच्छा से अपनी मर्जी से रक्तदान करने के लिए आगे आए, तो यकीन मानिए हजारों नहीं लाखों मरीजों को मौत के मुंह में जाने से बचाया जा सकता है। मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, काश मैं रक्तदान के महत्व को ठीक तरह से समझ पाता। कम आपको पता है मोहन भाई जी, हमारे देश के अस्पतालों में हर रोज मरीजों के इलाज के लिए 90 लाख यूनिट खून की जरूरत पड़ती है, पर उसके सामने हमें सिर्फ 65 लाख यूनिट खून ही उपलब्ध हो पाता है, यानी जरूरत से 40% कम। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि यह कितनी बड़ी कमी है, और इस कमी के कारण हजारों लाखों जिंदगियां दांव पर लगी रहती हैं। इन मरीजों में एक्सीडेंट्स के शिकार गर्भवती महिलाएं, सर्जरी करवाने वाले, कैंसर के पेशेंट्स सभी शामिल हैं। इसके अलावा हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, ल्यूकेमिया जैसे रोगों से पीड़ित रोगियों को भी हर कुछ दिनों के बाद
खून चढ़ाना होता है, वरना उनका जीवन खतरे में पड़ सकता है। इन लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए जरूरी है कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग स्वेच्छा से रक्तदान करें। बैठो। डॉक्टर साहब, ये जो आप बार बार स्वेच्छा से रक्तदान करने की बात कर रहे हैं, उसका अर्थ क्या है? स्वेच्छा से रक्तदान से हमारा मतलब ये है कि लोग अपनी मर्जी से खून देने के लिए आगे आए। इसमें आप एक बात समझ लीजिए कि पहले कुछ लोगों ने रक्तदान करना भी पेशा बना रखा था, और उसके कारण कई बार बीमारी ग्रस्त खून भी मरीजों को चढ़ जाता था, जो बाद में बहुत घातक साबित होता था। इसी बात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1996 में दिए एक फैसले में पेशेवर रक्तदान पर रोक लगा दी है। इसलिए अब हमें आम लोगों को प्रेरित करना है कि वो बहुमूल्य मानव जीवन को बचाने के लिए स्वेच्छा से रक्तदान करने के लिए आगे बढ़े। हमारे बड़े बड़े शहरों में तो रक्तदान के प्रति काफी चेतना आ गई है। वहां पर काफी संख्या में लोग रक्तदान शिविरों में जाकर भी रक्तदान करते हैं। वहां के सभी ब्लड बैंकों में अलग अलग ग्रुप के रक्तदाताओं की सूचियां होती हैं। जरूरत पड़ने पर उनमें से किसी से भी संपर्क करके रक्तदान करा लिया जा सकता है। मतलब लोग रक्तदान देने के लिए अपने आप तैयार रहते हैं। अरे वाह। पर चूंकि हमारे देश की लगभग 80% आबादी गांवों और कस्बों में रहती है, इसलिए वहां भी इस प्रकार की जागृति लाना बहुत ही आवश्यक है, ताकि हमारे गांव कस्बों का कोई भी व्यक्ति समय पर खून न मिलने के कारण अकाल मृत्यु का शिकार न बने। आप जो खून देंगे वो तो कुछ ही घंटों में शरीर में वापस बन जाएगा, और समय पर खून न मिलने के कारण अगर किसी की जान चली गई तो वो कभी वापस नहीं आएगी। इसलिए रक्तदान वास्तव में जीवन दान है। हाँ डॉक्टर साहब, इस पुनीत कार्य में मैं आपका हर तरह से साथ देने के लिए तैयार हूँ। आप तो बस आदेश करें जी, मुझे करना क्या है? मोहन भाई जी, हमारे देश में स्वैच्छिक रक्तदान के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में, उसे सही दिशा देने में नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल और स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल्स बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं। इसी काम में अपना हाथ बटा रही है एक राष्ट्रीय संस्था जिसका नाम है इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनो हेमेटोलॉजी। ये संस्था रक्तदान की आवश्यकता के प्रति लोगों को जगाने के लिए देश भर में अनेकों कार्यक्रम, सेमिनार, रक्तदान शिविर आदि का आयोजन करती रहती है। अपने इन्हीं प्रयासों के तहत देश के गांव कस्बों में जन जागरण के उद्देश्य से इस संस्था ने रक्त क्रांति नाम से एक व्यापक जन अभियान चला रखा है। इस अभियान के तहत हम एक रैली लेकर गांव-गांव में जाते हैं और लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान करने के लिए समझाते हैं। ये तो बड़ा ही जोरदार कदम है डॉक्टर साहब। मैं और मेरे गांव वाले आपके रक्तदान अभियान का हिस्सा जरूर बनेंगे। इस बार आप रैली हमारे गांव में लेकर आना। पर क्या आपके गांव वाले इस कार्य में सहयोग करेंगे? अजी, उनको समझाना तो हमारा काम है। अब तो मैं आपका वॉलंटियर हूँ। बस आप एक बार अपनी रैली हमारे गांव में लेकर पधारें। नई चेतना लिए उठे, नई चेतना लिए उठे, कदम है साथ में। गांव गांव, शहर शहर, फैलेगा प्रकाश ये।
अब कमी न होगी खून की, है हमें विश्वास ये। रक्तदान के लिए संकल्प हमने लिया, रक्त क्रांति के लिए खुद को समर्पित किया। जान ना किसी की जाए हो, जान ना किसी की जाए। रक्त के अभाव से नई चेतना लिए उठे, नई चेतना लिए उठे, कदम है साथ में। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर जी। आइए आइए डॉक्टर साहब, पधारिए डॉक्टर साहब। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। नमस्ते मोहन। आइए आइए, चलिए। नमस्ते। आइए आइए, चलो भाइयों, चलो आइए आइए, आओ जी आओ। भाइयों और बहनों, बड़ी ही खुशी की बात है कि आज अपने भी गाँव में रक्त क्रांति की ज्योति जलाई जा रही है। भाइयों, जब मेरी पत्नी का जीवन संकट में पड़ा था, तब बड़ी ही मुश्किल से एक व्यक्ति ने खून देकर उसके जीवन की रक्षा की थी, ये तो आप सभी जानते ही। उस समय रक्तदान के महत्व को लेकर डॉक्टर साहब ने हमें जो जो बातें बताई थी, वो सारी बातें मैंने आपको भी बताई। अगर तब भी आपके मन में कोई शंका हो या कोई प्रश्न हो, तो यहाँ पे उपस्थित सारे डॉक्टरों को आप पूछ सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं, पूछे ना, क्या सवाल है आपके? अजी डॉक्टर साहब, ये क्या सवाल पूछेंगे? सरपंच हूं मैं इनका, सबको कह दिया मैंने, डॉक्टर साहब अगर खून मांगेंगे सबको देना पड़ेगा, कोई छू चपड़ नहीं करेगा। सरपंच जी, हम आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं, पर हम चाहते हैं कि लोग बिना किसी जोर जबरदस्ती के अपनी इच्छा से खून देने आ गए हैं, और इसलिए उनके मन में बैठी शंकाओं को दूर करना जरूरी है। पूछिए आप लोग। दरअसल डॉक्टर साहब, मुझे उस सुई से बड़ा डर लगता है जिससे आप हमारा खून निकालते हैं। जब हमारा जानवरों का डॉक्टर गांव में भैंस को सुई लगाता है तो दर्द से उछाले मारने लगती है, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी उछाले मारने लगे। आप चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल भी नहीं उछलेंगे। हमारी सुई से आपको उतना ही दर्द होता है जितना एक चींटी के काटने से दर्द होता है। रक्तदान करने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है, बस 8-10 मिनट लगते हैं। रक्तदान करने के बाद आप अपने सारे काम सामान्य ढंग से कर सकते हैं, आपकी सेहत पर भी कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। अजी, असर तो पड़ेगा ही डॉक्टर साहब, खून ही तो शरीर की जान होती है। अब हमारा जितना खून लोगे उतना खून तो हमारे शरीर से कम हो ही जाएगा, और खून की कमी होगी तो शरीर में तो अपने आप कमजोरी आ जाएगी। क्यों भाइयों? अच्छा, आप एक बात बताइए, जब आप कुएं से कुछ बाल्टी पानी निकालते हैं तो क्या कुएं का पानी कम हो जाता है? नहीं नहीं, कुएं में नया पानी आ जाता है और कुआं फिर से भर जाता है। बिल्कुल सही, ठीक उसी तरह से जब हम रक्तदान करते हैं तो हमारे शरीर से जो खून लिया जाता है उसकी जगह पर हमारा शरीर नया खून बनाकर उसकी पूर्ति कर लेता है। वैसे भी रक्तदान करते समय एक बार में सिर्फ 350 मिलीलीटर यानी 1.5 पाव खून ही लिया जाता है, जो आपके कुल रक्त का मात्र 20वां हिस्सा होता है। शरीर 24 घंटे के अंदर ही रक्त के इस तरल भाग की पूर्ति कर लेता है, इसलिए रक्तदान से आपको कभी भी कोई कमजोरी नहीं होती है। क्या भाई लोग, आप लोगों को मालूम है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 150 बार रक्तदान किया है और वे स्वस्थ हैं। अजी डॉक्टर साहब, आपकी सारी बातें ठीक हैं,
पर ऐसा काम कौन करना चाहेगा जिसमें दूसरों का लाभ हो और हमारा नुकसान। वैसे तो रक्तदान करना एक समाज सेवा का काम है, पर अगर आप इसमें अपना लाभ देखना चाहते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहला लाभ तो यही है कि रक्तदान हमारे शरीर में नए खून बनाने की प्रक्रिया को तेज कर देता है। रक्तदान हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है, इसलिए खास तौर से मोटे व्यक्तियों को तो हर तीसरे महीने रक्तदान करना बहुत ही लाभकारी होता है। रक्तदान करने वालों में हृदय रोग की संख्या भी कम पाई जाती है। पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी को जीवन दान देकर जो आत्मिक सुख, जो आत्मिक आनंद मिलता है वो सचमुच में अनमोल है। अजी डॉक्टर साहब, अब तो ये बात आप पक्की समझ लो कि हमारे गाँव के सभी बच्चे, बूढ़े और जवान रक्तदान किया करेंगे। देखिए, रक्तदान के भी कुछ नियम हैं, जिनके अनुसार 18 से 60 आयु वर्ग के वे स्त्री पुरुष जिनका वजन 45 किलोग्राम से अधिक हो और जो किसी भी गंभीर रोग से पीड़ित ना हो रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान करने वाली स्त्री या पुरुष के खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12.5 ग्राम होनी चाहिए। रक्तदान करते समय यह भी जरूरी है कि उस व्यक्ति ने किसी नशीले पदार्थ का सेवन न किया। रक्तदान करने के 3 महीने बाद वही व्यक्ति फिर से रक्तदान कर सकता है। गर्भवती महिलाएं और प्रसव के बाद शिशु को दूध पिलाने के 6 महीने की अवधि में महिलाओं से रक्तदान नहीं कराया जा सकता। डॉक्टर साहब, रक्तदान के बारे में तो आपने सब कुछ बता दिया, पर ये नहीं बताया अगर हम अपनी इच्छा से रक्तदान करना चाहते हैं तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा। रक्तदान किसी भी पंजीकृत या लाइसेंस शुदा ब्लड बैंक या जिला अस्पताल में किया जा सकता है। इसके अलावा भी कई समाज सेवी संस्थाएं समय समय पर रक्तदान शिविरों का आयोजन करती रहती हैं। वहां पर भी रक्तदान किया जा सकता है। हम लोग भी अपने सहयोगियों की सहायता से जगह जगह पर रक्तदान शिविर लगाते रहते हैं। तब तो डॉक्टर साहब, आपको हमारे गांव में भी एक रक्तदान शिविर लगाना चाहिए। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, और हमारे यहाँ के सारे पुरुष भी रक्तदान करेंगे। क्यों भाइयों? हाँ हाँ, हम सब रक्तदान करेंगे। हम सब करेंगे। सिर्फ भाइयों ही नहीं, सारी बहनें भी। क्यों बहनों? हाँ हाँ, हम करेंगे। क्यों माँ जी, आप भी रक्तदान करेंगी ना? हाँ हाँ, मैं भी रक्तदान करूँगी। अलग अलग हैं बोलियाँ, अलग हमारा देश है। देश अपना एक है और खून अपना एक है। रक्त का संबंध ये मजबूत करने के लिए हर कोई आगे बढ़ेगा। सौगात ये नई चेतना लिए उठे, नई चेतना लिए उठे, कदम है साथ में। नई सुबह के सूर्य में रक्तदान संकल्प हमारा, रक्त क्रांति विश्वास हमारा। रक्तदान संकल्प हमारा, रक्त क्रांति विश्वास हमारा। हिंदुस्तान देश हमारा, तिरंगा हमारी पहचान। आओ मिलकर अपनों की जान बचाएं, करें स्वेच्छा से रक्तदान। Thank you.
हूँ।